मल्लिकार्जुन खड़गे जी की एब्सेंस को लेके बीजेपी सवाल उठा रही है। देखिए, मुझे लगता है राजनीति नहीं करनी चाहिए स्वतंत्रता दिवस पे। क्या उनके सारे मंत्री थे वहाँ? क्या उनके सारे सांसद थे वहाँ? नहीं थे ना, तो क्या वो स्वतंत्रता दिवस नहीं मना रहे? क्या वो देशभक्त नहीं है क्या, जो भाजपा के सांसद नहीं आए क्या? तो ये जो कहना, हर चीज की न्यूज बनाना, दुष्प्रचार करना, ये लाल किले की प्राचीर और स्वतंत्रता दिवस को भी नहीं छोड़ते हैं अपनी न्यूज बनाने के लिए। ये बीजेपी के लोगों को सोचना चाहिए, हर चीज में राजनीति नहीं होती। खड़गे जी पूरा दिन स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में लगे हुए, कहीं भी कोई स्वतंत्रता दिवस मना सकता? क्या रोक है कि लाल किले जाके स्वतंत्रता दिवस मनेगा? परिवारवाद का तो बोलने का अधिकार भाजपा को है नहीं। हर जगह हर राज्य उनके सहयोगी ले लो, सब परिवारवाद में डूबे पड़े, उनके यहाँ तो परिवारवाद की भारी भरमार है। मेरा कहना है कि ये बात कौन झंडा फहराएगा अगली बार और कौन नहीं फहराएगा, ये अधिकार किसी को नहीं कहने का। न विपक्षी दलों को कहना चाहिए कि वो नहीं फहराएंगे और न उनको कहना चाहिए कि हम फहराएंगे। ये जनता पे छोड़ना चाहिए, जनता तय करेगी ना कौन फहराएगा कौन नहीं। ये अधिकार, एक अधिकार तो जनता पे छोड़ दो कि वो तय करे। सर, द एब्सेंस ऑफ खड़गे जी इज बिकम अ इशू अमंग बीजेपी लीडर्स, दे आर क्वेश्चनिंग हिज एक्ट। दे आस्क लुक फॉर मल्लिकार्जुन खड़गे लास्ट टाइम, लेट देम स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। दिस इज अ प्रॉब्लम विद द बीजेपी। लेट्स टॉक अबाउट 7 lakh crores ऑन द रोड। CAG इज डूइंग एन एंटी नेशनल वर्क बाय कैचिंग द प्राइम मिनिस्टर, द काइंड ऑफ करप्शन दे आर। परिवारवाद यू आर स्पीकिंग अबाउट, वाज ही स्पीकिंग अबाउट अनुराग ठाकुर, जय शाह, राजनाथ सिंह, येदुरप्पा, ज्योतिराज सिंधिया, बोम्मई, वसुंधराजे सिंधिया, हु वाज ही स्पीकिंग अबाउट? हिज ओन पीपल। ही इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड गाय, ही वांट्स टू रिमूव हिज ओन पीपल। व्हाट अबाउट 15th ऑगस्ट, आई विल कम बैक अगेन एंड अनफोल्ड द फ्लैग? इज इट ऑल बैड स्टूडेंट्स ऑलवेज कीप गिविंग, हैव यू नोटिस्ड? सबसे खराब स्टूडेंट स्कूल में जो ना बोलता रहता मैं पास हो रहा हूं, पास हो रहा हूं, आई ऑलवेज सी दैट। He knows he's going. Congress leader Salman Khurshid, sir, how do you see the statement coming in from Prime Minister? Politics, dynasty politics is going on in opposition party. I don't know which opposition he sees dynastic politics. 50 to 60 people in the Bharatiya Janata Party, in their government, are related to somebody else who has been in functionary of the Bharatiya Janata Party or in government of Bharatiya Janata Party. Why doesn't he first look at himself? Speak about why he's done that and then we'll talk about anybody else. All corruption happened during the Congress era is the big allegation that is coming from the Prime Minister. Then how come people of Karnataka, people of Himachal Pradesh have voted against them on this very issue as to who's done corruption? So how many times will he repeat a falsehood? To be corrupt is bad. To say a falsehood about corruption is even worse. One last question. Next year also I will come to unfurl the national flag is what the claim of. We are all waiting.